स्टार प्लस के एक और बड़े और पॉपुलर शो पर गाज गिरी है और वो शो है एक्टर शाहिर शेख और रिया शर्मा स्टारर शो ये रिश्ते हैं प्यार के पर। जी हाँ, देखा जाए तो पिछले कई दिनों से स्टार प्लस के कई शो के ऑफ एयर होने की खबरें सामने आ चुकी है, लेकिन अब चैनल ने ऑडियंस के बीच पसंद किए जाने वाले ये रिश्ते हैं प्यार के शो को बंद करने का मन बना लिया है, जिसके बाद हर कोई ये भी जानना चाहता है कि आखिर इतने बड़े शो के लिए ये फैसला क्यों लिया गया। तो आपको बता दें कि ऐसे खबरें हैं कि साथ निभाना साथिया 2 ये रिश्ते हैं प्यार के शो को रिप्लेस करेगा। आपको बता दें कि राजन शाही का ये रिश्ते हैं प्यार के शो रात 10 बजे टेलीकास्ट किया जाता था, लेकिन उन्हीं के एक नए शो अनुपमा के लिए इसे 9 बजे के टाइम स्लॉट पर शिफ्ट कर दिया गया। माना जा रहा है कि ऐसा करने के चक्कर में ये रिश्ते हैं प्यार के की व्यूअरशिप पर बुरा असर पड़ा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लॉकडाउन के बाद शो की टीआरपी रेटिंग में लगातार उतार चढ़ाव भी देखे गए, जिसकी वजह से अब चैनल ने इस शो को ऑफ एयर करने का मन बना लिया है। ये शो मार्च 2019 में लॉन्च किया गया था और अब सिर्फ 1.5 साल बाद बंद हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रिश्ते हैं प्यार के अपना आखिरी एपिसोड इस महीने के अंत तक टेलीकास्ट कर सकता है। हालांकि शो के आखिरी एपिसोड को लेकर फिलहाल कोई जानकारी तो नहीं है कि वो किस डेट तक आएगा, लेकिन मेकर्स के साथ साथ शो के बाकी स्टार कास्ट शो के आखिरी दिनों की शूटिंग में पूरी तरह से लगे हैं। आपको बता दें कि इस शो के ऑफ एयर होने की खबरें सामने आने के बाद फैंस भी लगातार ट्विटर पर शो को बंद ना करने की डिमांड कर रहे हैं। उनका कहना है कि मेकर्स शो को बंद ना करें और इसका टाइम स्लॉट चेंज कर दें, लेकिन शो की लगातार गिरती व्यूअरशिप और टीआरपी से चैनल को लगता नहीं कि टाइम स्लॉट में चेंज करके भी कोई फायदा होगा। आपको बता दें कि ये रिश्ते हैं प्यार के अलावा स्टार प्लस का कसौटी जिंदगी की 2 शो भी ऑफ एयर हो रहा है, जिसका लास्ट एपिसोड 3 अक्टूबर को आएगा। अभी ऑडियंस कसौटी के बंद होने के झटके से उभरी भी नहीं थी कि अब ये रिश्ते हैं प्यार के शो का ऑफ एयर होने की खबरें सामने आ गई। हालांकि अब देखना यह है कि इस शो का आखिरी एपिसोड कब टेलीकास्ट किया जाएगा और मिस्टी अबीर की कहानी से सजे इस शो का दी एंड किस मोड पर किया जाएगा।